स्मार्ट में इतना नुकसान है, इतना नुकसान है मत कहिए। हम इतना बता दें, जो आज बिजली बिल भराते हैं और कल लोग आते हैं कहीं से, या मतलब कहीं चला रिलेशन यहाँ आते तो खत्म हो जाता है। कोई स्मार्ट मीटर नहीं है, चोरी वाला मीटर है। स्मार्ट जो है ना सबसे बेकार है, और इसमें तो हम लोग का इसी को भरते भरते परेशान हो जाएंगे, तो बच्चे को खिलाएंगे क्या? जीव के जंजाल है, इसको फेंक के। जो पुराना मीटर था ना, वो ये सब ना बनावटी है, ये सब फ्रैक्चर, इसका मैन्युफैक्चर ना अच्छा नहीं है इसका। आओ, हम तो बहुत परेशानी में है। हाँ, स्मार्ट मीटर से बहुत परेशानी में है। हर महीने 2000 रुपया देना पड़ता है। गरीब हम देते रिचार्ज करने में, अब 500 का किसी का लिमिट है, उसका 5000 बिल आ जाएगा तो कहाँ से देगा, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। बिहार में बिजली व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से कई प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें से एक है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का विचार यह है कि पहले उपभोक्ता बिजली के लिए भुगतान करें और फिर उसे उपयोग करें। इसे सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन पटना के लोगों के बीच इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट मीटर का नाम सुनते ही लोग भड़क जाते हैं। लोग कहते हैं, अपना स्मार्ट अपने घर रखिए, हमें तो पुराना वाला मीटर ही पसंद है। स्मार्ट जो है ना सबसे बेकार है, ना समय से लाइन कटता, ना बहुत दिक्कत होता। पैसा महीना पर रहता तो ठीक रहता, महीना पर रहता तो बहुत ठीक रहता, इस सप्ताह में लाइन कट जाता। तो ये पंखा बोल में मतलब 1000 रुपया उड़ जा रहा भैया, आपको क्या बताएं, मीटर का मतलब क्या धांधली हो रहा है। कभी चलता है तो लंबा, कभी चलता है तो पते नहीं जे क्या हुआ क्या ना हुआ। इसलिए बहुत बहुत क्या बोले, हम मतलब मीडियम फैमिली तो जी रहा है, लेकिन गरीब फैमिली सबको बहुत प्रॉब्लम है इसमें। जीव के जंजाल है, इसको फेंक के। जो पुराना मीटर था ना, वो ये सब ना बनावटी है, ये सब फ्रैक्चर, इसका मैन्युफैक्चर ना अच्छा नहीं है इसका, समझे। मीटर से आदमी को बहुत नुकसान है, भराता है, अभी भराइएगा आधा घंटा बाद गायब, आ जाइएगा बोलने ना तो फलना चिलना ठिकना ठिकाने लगता है, तो क्या करें, वहाँ पे केस मुकदमा करे जाइए 10,000 रुपये के चक्कर में। आदमी बहुत इसमें पहले का मीटर बनिया है, पहले में 300-350 में महीना दिन चलता था, अब 500 हफ्तों ने कटा, बस खत्म हो जाता, कट जाता। जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात कि हम लोग क्या पहले वाला मीटर लगवा दीजिए, कोशिश वही कीजिए। डॉक्टर को जाता है इलाज कराने के लिए, तो पैसा के दिन है, पैसा की इलाज हो जाता है, बाकी मीटर वाला नहीं करे मानेगा, कहेगा कि बिजली बिल भरिए तब दान देगा। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि जो पहलू का मीटर बैठवा दे अच्छे रहेगा, समझे। आ इसमें तो हम लोग का इसी को भरते भरते परेशान हो जाएंगे, तो बच्चे को खिलाएंगे क्या? पढ़ाए थे, मेरा स्मार्ट मीटर था, लगाए हुए थे, तो जैसे कि 2 दिन पहले अपना रिचार्ज कराए थे, तो घर बंद करके गए तो आए तो उसमें से आधा मेरा पैसा कट गया बिल में। हमारा तो 2 दिन चला, पूरा पैसा मेरा खत्म हो गया स्मार्ट मीटर का। जब बोलने के लिए गए कितना का रिचार्ज किए, तो बोलना कि क्या क्या चलाते हो, तो बोले कि 2 गो पंखा, 2 गो बल्ब और 1 गो TV, बस इतना ही चलाते हैं। तो बोला कि इतना में कैसे कट जाएगा, तब अब मीटर में अब क्या फॉल्ट है नहीं आपने समझ जाएगा, बस यही है भैया बोलना। इस प्रकार स्मार्ट मीटर योजना से जुड़े कई उपभोक्ता खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कदम लोगों के लिए राहत के बजाय एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है। जहां एक ओर सरकार इसे आधुनिक और सुविधाजनक व्यवस्था के रूप में देखती है, वहीं उपभोक्ता इसे अपने जीवन में अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं। स्मार्ट मीटर को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान निकाला जाए, अन्यथा यह स्मार्ट मीटर योजना केवल कागजों में ही स्मार्ट साबित होगी, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही होगी। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।